ट्रांसपोर्ट ऑफिस कहता है कि बाकी जो नंबर जो बच गए हैं जिस भी सीरीज के, और ये हाईवे की स्थिति है भाई, ये देख लो कोहरा बहुत ज्यादा है भाई। यहाँ भाई ये स्कॉर्पियन पीछे वाले टोल पे भी लड़ रहा था, अब यहाँ वाले टोल पे भी लड़ रहे हैं। फोग हमारे नंबर पे निछानी चाहिए ना। और ये झलक देख लो भाई, देख लो अब एक नंबर वाले अंदर चले गए हैं। लिख ले तो, जितने ज्यादा बिल लगा रहे ना इन सारा का, सब पे नोटिस भेजो। हाँ ये काला धन कहाँ से लग रहे हैं। मैं बोलने लगा एक पिछड़ा इतने को दूसरा, एक पिछड़ा बोल दे मैं भाई। फिर जिसने 2-10 बोला ना वो बंदा भाई बिड का रेट ना बढ़ाने के लिए ही आया था अंदर। जी वेलकम बैक टू चल, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और सुबह से भी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। इतने आराम से पता है किस लिए बोल रहा हूं, क्योंकि अभी रात है, अभी हुई नहीं है सुबह। हालांकि सुबह के अभी 6 बजने वाले हैं, निकलना था हमारे को 5 बजे था। लेकिन आपको बताया चलने चलने में थोड़ा सा ना बंदा लेट होता है। आप अभी विक्रम भाई इतनी जल्दी जल्दी आप कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह? तो सुबह सुबह जाना इसलिए पड़ रहा है भाई क्योंकि जहाँ हमें पहुँचना है वहाँ भी अब काम दोपहर की बजाय अब थोड़ा सा जल्दी होना है, तो इसी वजह से हमें जल्दी निकलना है। अरे तो लाइन बन गई। तो फिर आपको थंबनेल लेके पता लग ही गया होगा कि मैं जा रहा हूँ आज एक्स्ट्रा का नंबर लेने के लिए। बहुत दिनों से वेट कर रहा था भाई, 4 महीने हो गए एक्स्ट्रा के ऊपर अभी तक नंबर नहीं लगा, वो टेम्परेरी नंबर नहीं घूम रही है। और फाइनली जो अपने को सीरीज पसंद है वो आज ओपन हो गई है, और वीडियो के एंड तक आपको पता लग ही जाएगा कि हमारे को नंबर मिला या मिलेगा, हमारे को नंबर मिलेगा, हम नंबर लेके आएंगे। बाकी क्या फॉर्मेलिटीज करी है मैंने, क्या क्या तैयारी कर रखी है, ये सारी चीज़ें वो मैं आपको गाड़ी में बैठ करता हूँ, फटाफट गाड़ी को कोल्ड स्टार्ट करता हूँ। क्योंकि 5 मिनट तो मैं लगाऊंगा आराम से, क्योंकि भाई ठंड का टाइम हो गया है। तो गाड़ी आप जब भी मॉर्निंग में लेके चलें या जब भी लेके चलें गाड़ी को, पहला जो कोल्ड स्टार्ट होता है उसको 2-4 मिनट अपना स्टार्ट कर लें, डीजल वाली को स्पेशली। ऑडोमीटर की रीडिंग देखो 22,617 और नंबर भी हम लेने जा रहे हैं 17। पहले तो भाई अपना डीजल फुल करा ले, मैं तो मेरा आधी टैंक पड़ा है अभी, पर देखते हैं फिर भी करा के चलना चाहिए ना, है ना भाई? बिल्कुल, तड़के तड़क तेल भरवा के चलना चाहिए। सुबह सुबह कहीं लंबा यार, मैं फुल करके चलो घर। हाँ घर से चलो, बढ़िया। मतलब चंडीगढ़ के रेट में और यहाँ के रेट में फर्क रहा नहीं, बराबर सही है। रेट दिल्ली चंडीगढ़ हरियाणा सेम हो गया। तो दिल्ली चंडीगढ़ सेम हो गया, हिमाचल में भी कोई खास फर्क नहीं रहा, उत्तराखंड नहीं अब नहीं है, नहीं है 2 रुपए का फर्क है मुश्किल से। हाँ पर ज्यादा फर्क नहीं है, वो नहीं है जो पहले आया करता ना 7-8 रुपए वाला, वो फर्क नहीं है। तो वही है भाई, अपने घर से भरवा के चलो ही है ना, एक मतलब फुल टैंक में ये अपने आप अप डाउन आराम से कर देगी। अच्छा, कोई दिक्कत फुल टैंक में कर देती है ये, हाईवे पे माइलेज अच्छी देती है ना हमारा। चलो कोई नहीं, हाफ से थोड़ा कम था, फुल हो गया, अब टेंशन नहीं है भाई साहब, मजा आएगा। ओहो टेम्परेचर भी इस टाइम 17 डिग्री है भाई साहब, क्या बात है। अब आप कहोगे विक्रम भाई आपने कहा था कि भाई ये 1 नवंबर से ऑनलाइन हो जाएगा तो आप क्यों जा रहे हो? तो भाई ऐसा है, गवर्नमेंट ने अभी भी ऑनलाइन नहीं किया, वो अभी भी पाइपलाइन में है, पता नहीं वो पाइपलाइन से कब निकलेगा और जनता के लिए मतलब आसानी होगी। कि वही बात है यार, देखो किसी को नंबर लेना है, क्योंकि देखो मेरे को तो यार शौक है, और वैसे देखो ये नंबर तो शौकीन लोग ही लेते हैं सारे, ऐसे कोई लेता तो है नहीं। तो वो यार फटीक तो होती है कि सुबह फटाफट उठो रेडी हो भागो, अब कई लोग पहले दिन चले जाते हैं, तो ये भाई देखो परेशानी तो होती है। लेकिन वही बात है, परेशानी तब दिखती नहीं है जब नंबर मिल जाता है, और वो भी एक बेहतर प्राइस में मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यार मतलब अनडिसेंट रेट पे मिले, वो तो नहीं है। अब मैं भी देखो एक फिक्स प्राइस है मैंने सेट कर रखा है कि हाँ इतने तक ठीक है नंबर, इतने तक मिलेगा तो मैं लूंगा, अगर इससे ऊपर कुछ रहेगा तो रहने देंगे। और एक चीज और भी कर रखी है इसमें कि भाई जो पहले दिन जैसे सीरीज खुलती है ना, तो उस दिन क्या होता है सारे नंबर ही आपके लगभग ही बिड में जाते हैं। मान लो आपके एक पहले तो 1 से 10 तक पे बिड लगती थी, मान लो किसी एक नंबर के ऊपर 2 फाइल आ गई 3 फाइल आ गई तक वहां तो बिड होगी होगी, वैसे तो नंबरों पे बिड नहीं थी। लेकिन अब तो भाई पहले दिन ही बिड होती है, सारे नंबर ही आपके ऑक्शन में है पहले दिन, तो पहले दिन आपने ले लिया तो मिल गया। लेकिन अगर आप सेकंड डे लेने जाओगे तो भाई अभी ये नंबर नहीं दिए जा रहे, क्यों? ट्रांसपोर्ट ऑफिस कहता है कि बाकी जो नंबर जो बच गए हैं जिस भी सीरीज के, वो हम ऑनलाइन ऑक्शन में डाल देंगे आपके, आप वहां से जाके परचेज कर लो। ये भी अलग फंडा बना रखा है यार, या तो यूं करो ना जब आप ऑफलाइन ही चला रहे तो ऑफलाइन चलने दो,
अब पता नहीं कितने नंबर बचे हुए हैं भाई, ऐसे दे ही नहीं रहे। हाँ कोई खास जानकार आ जाए कहकवा के कोई ले ले तो अलग बात है भाई, वैसे दे नहीं रहे तो जनता तो परेशान इस चीज में भी हो रही है। मतलब वही बात है, जब पूरी क्लैरिटी ना अभी तक कर नहीं रखी नंबरों के ऊपर। पहले तो भाई सिस्टम इतना क्लियर होता था कि हाँ एक बार सीरीज खुल गई, पहले दिन जो बिड होगी होगी, उसके बाद जो नंबर बच गया आता गया लेता गया बस। हाँ ऐसे होता था। अब तो भाई साहब हर चीज के ऊपर ना बस सरकार को इतना पैसा कमाना इन चीजों से, पूछो मत, पूछिए मत सर। खैर अपना जो नंबर है उसका भाई बेस प्राइस है 50,000, तो 50,000 का हमने अपना DD1 बनवा रखा है, प्लस साथ में अपनी एक चेकबुक ले ली। अगर मान लो प्राइस कितना भी जाता है उसके ऊपर का जो प्राइस बनेगा, तो वहीं अपन एक और DD बनवा के सेक्टर 17 से, तो वहीं से अपन अपना करवा के दे देंगे। तो भाई सबको मैं यही कहूंगा, जो एक बार नंबर आप ले लेते हो भाई अपना नंबर रख लो, मत देना भाई नंबर। आने वाले टाइम में ये नंबर और भी महंगे हो जाएंगे, देख लेना भाई बहुत महंगे हो जाएंगे। हर चीज की महंगाई तो देखो बढ़ी रही है, साथ साथ इन नंबर्स का रेट भी बढ़ रहा है। तो एक बार जो नंबर अपना ले लो तो रख लो। जैसे मेरे पास एक 28 नंबर और स्पेयर है, वो लगवाने को तो मैं वो भी लगवा सकता था एक्स्ट्रा पे, और वो मैंने अभी अपने स्कूटर पे लगवा के रख रखा है। तो वो पहले मेरी थार पे होता था तो वो भी मैंने रख रखा है। एक नंबर और है, और वैसे मैंने आपको बताया था 500-1700 नंबर और है भाई मेरे पास, जो मेरे नाम से भी चल रहे हैं। वाह नंबर इतने लगे, पापा को पता लगेगा ना, और पापा को भी भाई वीडियो देख के पता लग ही जाएगा कि नंबर कितने का। कहेंगे छोरे तुम आना नहीं, पैसे खाम खाम आपको क्या बिना है ना, कोई बात नहीं भाई। एंड फिलहाल तो मैं राजीव चौक से एक बार राजेश भाई को साथ में ले चलता हूँ, वो भी जाएंगे, उनको भी अपनी 3-4 गाड़ियों के लिए नंबर लेके आने हैं, तो वो भी चलेंगे अपने साथ। प्लस सुलभ भाई भी चलेगा, वो रोहतक से चल लिया है, वो अपने को पानीपत मिलेगा तो उसकी गाड़ी का भी काम हो। भाई सुबह के बज गए 7 और भाई दिल्ली में पूरा कोहरा, और बातें करते करते हम कब यहाँ पहुंच गए हमारे को पता ही नहीं लगा। अकेला बंदा तो फिर भी चलो यार बोर हो जाता, अकेले में तो मेरे को ना गाने सुनने में भी स्वाद नहीं आता, पर राजेश भाई के साथ टाइम पास में मजा आ गया। राजेश भाई गुड मॉर्निंग। आज कितने नंबर लेके आओगे? देखेंगे सर, कोशिश तो है, सारे लेके आएंगे लेने के। राजेश भाई ना आज 1 नंबर लेंगे, 3 नंबर लेंगे, 7 नंबर लेंगे, 9 नंबर लेंगे, 4 नंबर तो भाई ने लेने हैं, 17 नंबर मेरे को लेना है। खैर सुलभ का तो खाली ट्रांसफर का सीन है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो अभी अपना नंबर का डिस्कस करते हैं, देख कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे क्या कर रहा है, ये हो रहा है, हो रहा है क्या, पॉलिसी होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए। तो भैया भाई बहुत सी चीजें हैं जो चेंज होनी चाहिए, बहुत सी चीजें जो पहले वाली भी अच्छी थी, तो बस वही है भाई, ऐसे ही चल रहा है जैसे चल रहा है। समय के साथ तो बदलाव आएगा ही ना भाई, तो बदलाव के साथ बदलना भी चाहिए, पर बदलाव ऐसा मत करो कि जनता परेशान हो जाए। हाँ भाई 8 बजे का टाइम हो गया और हम पहुंच गए हैं पानीपत, और ये हाईवे की स्थिति है भाई, ये देख लो कोहरा बहुत ज्यादा है भाई, यहाँ स्मोक नहीं है भाई, ये वाकई में फॉग है, करके पता लग जाता है कि स्मोक है कि फॉग है। बाकी 1 नंबर अपनी आ गई है भाई, गड्डी में बैठ चुका है, उसको ठंड बहुत ज्यादा लग रही है, हैं? अभी बताता हूँ उसको, हैं? तनु बहुत ठंड लग रही है, हैं? ठंड लग रही है तनु? ठंड कोई नहीं, तभी तो जल्दी आ गड्डी च बह गया तू, सहन सुन कर रहा है, कर ले सहन कर ले भाई। ये स्कॉर्पियन पीछे वाले टोल पे भी लड़ रहा था, अब यहाँ वाले टोल पे भी लड़ रहे हैं। बेराना इस भाई ने एक दिक्कत की है, पिछले टोल वाला से भी हार के इसने पैसे देने पड़े थे। अरे बेराना कितनी देर तक बहस करेगा पता इस गले यार, और झंडी ला रहा है अच्छी खासी, मतलब चलो बाद में बताता हूँ। हम अपना क्रॉस कर लिया भाई टोल पहले, कोहरा हट गया भाई, गड्डी अपनी यहाँ लगी जहाँ लगती है हमेशा। अब यहाँ करेंगे हम थोड़ा सा नाश्ता पानी, क्योंकि भाई मैं तो कुछ खा के चला नहीं, आप कुछ खा के चले थे? राजेश भाई आपने नाश्ता किया था? नहीं। चलो तीनों नहीं कर रखा भाई, पराठे छक देंगे हम, सारे पराठे खा जाएंगे नील कर के। ना 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 यार सारे नहीं आएंगे, जितना जगह है ना पेट में उतनी खाएंगे, बाकी के लिए भी छोड़े यार, सबको खाना है, इतनी सारी गाड़ियां आई है ये भी तो खाएंगे, ठीक है ना। हमारे को तो बस इतनी पावर लेके आनी है कि हमारे को बिड बहुत बढ़िया करनी है ना। हाँ भाई बाकी नंबर तो आ ही जाएगा हमारा, लेके आना है तो। हाँ मेरा मेन फाइनेंसर साथ है, नंबर सारे लेके जाओ। अरे वाह राजेश भाई ने कहा कि हम नंबर 1,00,000 के अंदर से लेके आएंगे। अरे भाई साहब पार्टी हो जाएगी 1,00,000 के अंदर आके, तो मजा आ जाएगा भाई साहब, इतनी महंगाई में इतना वाजिब दाम में नंबर, वाजिब। A few moments later भाई खाना खा के खाना क्या यार, पराठे खा के जो नींद आती है ना, आँखों में देख रहे हो कितनी नींद भरी पड़ी है। राजेश भाई आपको भी आ रही है नींद पीछे?
भाई मेरे को तो ईद आती है लेकिन लेने का नहीं, लेने का नहीं, एक बार तो आती है नहीं। सीट पे बैठने का सौभाग्य बहुत कम प्राप्त होता है, मैं मोस्टली वहीं चलाने में रहता हूँ। तो यहाँ पे बैठना बड़ा मुझे सुकून सा आ रहा है यार, मतलब कंफर्ट कितना लेवल मस्त वाला आ रहा है। स्कॉर्पियो सीट है वाकई काफी कंफर्टेबल है, मुझे थोड़ा पावर नैप की, तो मैं बैठा हूँ यार, पराठे खाए थे जाए तो मैं यार थोड़ा सा पावर नैप ले, क्योंकि अभी हमारा रास्ता है लगभग 90 किलोमीटर का रास्ता बाकी है, थोड़ा सा 50-60 किलोमीटर सो लेता हूँ, फिर जागते हैं, फिर मुलाकात। लवे भाग वालों को ना इतने पार्किंग मिलती है, तो अज सानू पार्किंग मिल गई टाइम च है, मिली है आपने है। हाँ, बना दी जगह, बना दी। एक भाई ने गाड़ी लगा दी, मार थोड़ी तू साइड में लगा ले यार, एक स्कूटी हमने साइड में कर दी, हमारी गड्डी पार्क हो गई, ऐ साडी फाइल है। खैर ये वीडियो तो ना आप ना बहुत दिन बाद देख रहे होगे, क्योंकि ना मैं बीच में बीमार हो गया था। मैंने आपको बताया था कि जब मैं रोहन भाई की शादी में गया था, वहाँ से एक मेडिसिन मुझे रिएक्शन कर गई थी, तो उस चक्कर में पूरी बॉडी बंदर के ज्यादा खा पी लिया था। चल ना यार, डेढ़ दिन खाया थी, डेढ़ दिन बाद कुछ खाया नहीं था, तो वही है भाई इतना खा लिया डेढ़ दिन। वो बंदर के बम्पी जैसे लाल ना, मेरी पूरी बॉडी लाल हो गई थी यार। ठीक है, बंदर किसी देखी है? हाँ वो काम हो गया था, तो वही वाला काम हो गया था। अपने दो भाई भी मिलने आए हैं यार, मिगलानी भाई कितने ऐरे दोनों भरा, कैसे हो भाई जी? ठीक हो भाई, मेरे से पहले पहुंच गए, पहुंचेंगे पहले भाई से, तो चंडीगढ़ में रहते हैं, ये थोड़ा ना गुड़गांव से आए, हम तो 100-300 किलोमीटर चल के आए हैं, ये थोड़ा फॉक्स से। आप कितने किलोमीटर चल गए अभी? तो 20 किलोमीटर। देख झूठे झूठे, एक 10 कर, एक 20 कर है, टोटल 30, हम 330 और फोग में से। फोग हमारे नंबर पे निछानी चाहिए ना, ना आगे आ जाएगा, हम सारे बंदे आ जाएगा, आगे आगे सारे पतले से हैं सारे, मैं ही सबसे पतला हूँ बस, मैं सबसे पतला तू है। चलो यार लेके भाई गुरु का नाम कर देते हैं चढ़ाई, कर दो चढ़ाई। जय बजरंग बली, चक दो फट्टे। भीड़ देख रहे हो कितनी है राजेश भाई, एचा 26 में इतनी भीड़ नहीं होती है, एचा 07 में इतनी भीड़ है, है? देख लो कमाल है भाई साहब, इतनी भीड़ देख लो, कितने लोग आ नंबर लेंगे, हमारा नंबर ही पड़ेगा क्या इसमें? पड़ेगा कुछ नहीं, बिड़ बिड़ाई करवाओगे और कुछ नहीं है, लेना पड़ेगा, फंसा रहे हो आप तो यार। भाई बिड स्टार्ट हो चुकी है, एक नंबर के लिए बिड चल रही है, आज भाई रेट बहुत हाई जाएंगे, क्योंकि एचआर 07 की सीरीज खुल रही है और 0107 में बहुत ज़्यादा बिड हाई जाती है। इक्विलेंट लगा लो आप, मतलब HR 26, HR 01, HR 07, इन तीनों सीरीज की बिड ना बहुत ज़्यादा हाई जाती है। और ये झलक देख लो भाई, देख लो अभी एक नंबर वाले अंदर चले गए हैं, इतने बंदे बाहर बचे हैं भाई, देख लो ये एक नंबर वाले अंदर जा चुके हैं आज, तो भाई हर नंबर पे बहुत ठाडी भीड़ जाने वाली है। एक नंबर का क्या रहा, कितने में गया एक नंबर? 18 लाख 30 में। आपने कहा तक भीड़ मारी थी? मैंने मारी नहीं आज यार, कमाल है। 16 तक थी। अच्छा नंबर ही नहीं आया, दो ही पार्टियां लग रही थी। अच्छा जी, अब दो नंबर के लिए गए हैं आज भाई, ठाडे बिट पे जाएंगे। 18-30 गया है ना, 17 नंबर लाख तक ही रहना चाहिए वैसे इसी हिसाब से, तो फिर नीचे नीचे। चलो बढ़िया भाई साहब, ये मेरे ख्याल से ना भीड़ पता है क्या, 1 से 10 तक वालों की ज्यादा है, है ना? 1 से 10 के बाद भाई साहब निकल जाओ, बस 17 नंबर को दिखना नहीं चाहिए मेरे को यहाँ पे यार। ऐसा कुछ हम फेयर पिट करेंगे यार, जितने का भी जाएगा जैसे जाएगा, जो भगवान ने लिख रखा है भगवान बजरंग बली हमारे शुभ ही करेंगे, बस वही है। हे बजरंग बली कृपा करना अपने भक्त के ऊपर। दो नंबर गया कितने में? 5 लाख 30। हाँ, और तीन नंबर गया 5 लाख 40 हजार। चार नंबर के लिए बिट फिर आ गया, चार नंबर भाई, चार नंबर गया 380 में, पांच नंबर गया 4.5 में, 4.30 में, 4.5 में गया भाई। चलो भाई देख रहा है तू है, हाँ लिख ले, तो जितने ज्यादा बिड लगा रहे ना इन सारा का, हाँ, हाँ ये काला दिन कहाँ से लग रहे हैं भाई। 6 नंबर की बिडिंग अभी चल रही है, 5 तक का मैंने आपको बता दिया, 7 नंबर है ना भाई, मेरे हिसाब से 7 का 7 10 लाख में जाएगा। 12 कितने में जाएगा 7 का 7? 10 से ऊपर ही जाएगा भाई ने कहा 10, मैंने कहा 10 से ऊपर, 9 भी हो सकता है, मतलब 10 लाख से 1 ऊपर 10 से 1 नीचे। मैं 9 बोल देता हूँ, चलो मैं 9 से ऊपर बोल देता हूँ, भाई बोलता है 10 बोलता है, ये भाई कहता है 10 से ऊपर 12 से ऊपर, देखते हो किसका सही जाता है। 7 का 7 नंबर 9 लाख 40 हजार का, ठीक टाइम पे गया ना, ठीक टाइम पे मैंने 9 के आसपास लगा दिया था, सही है। 9 बोला था मैंने, ये सेटिंग कर रहे हो
भाई मैं मेरे को ऐसी सेटिंग होती तो भाई मैं अपना नंबर अब तक कब का लेके मैं जा लिया हूं भाई यहां से के मैं तो गो पोस्ट हो गया था और यार a lot of boring math later भाई साहब आ गया अपना बिड कर करा के नंबर जो गए ना भाई साहब उम्मीद नहीं थी भाई मेरे को साथ में इतनी मतलब हाई जाएगी थी उम्मीद मेरे को भाई कि हाई जगह पर इतनी हाई चली जाएगी उम्मीद नहीं थी 7 का 17 मानते हो कितने 215,000 रुपये में गया यार हैं 185 तक का था मेरा मन फिर एक भाई ने फिर 190 कर दिया मैं चल यार मैं इसको ना 195 तक करूँगा फिर यार 195 तक का ही मन बनाया मैं बोलूँगा मैं बोलने लगा 195 इतना को दूसरा 195 बोल दे मैं भाई 195 बोलेगा ये तो दूसरा फिर बोलेगा कोई फिर भाई एक भाई ने बिल्कुल लास्ट में तीन बोला था उसका नाम ले जो भाई बोल रहा था प्रेमपाल 1 प्रेमपाल 2 प्रेमपाल 3 पर दूसरे बंदे ने बोला 210 मैं तेरा भला हो जाए मैं तो मैं भाई 2.5-3 लाख तक पहुँचाएंगे फिर जिसने 210 बोला ना वो बंदा भाई बिड का रेट ना बढ़ाने के लिए ही आया था अंदर उसका कोई मोटिव उसने नंबर नहीं लेना था अच्छा हाँ उसने नंबर लेना ही नहीं था तो वही है भाई उसने फिर बिड बढ़ाई बढ़ाने के लिए ही ये काम किया भाई उसके बाद उस दूसरे ने पता क्या बोला जिस दूसरे बंदे ने दीपक नाम का लगा था उसने बोला 215 और 215 बोलते 210 वाला पता क्या बोलते थे हो गया बोला अब तू ले जा तो उसने भाई खाम खाम में रेट बढ़वाया नहीं तो ये नंबर 5-6 बिड में गया वो बंदा वो लास्ट इस वाली में भी नहीं जा रहा था वो जबरदस्ती गया मैं बोला मैं तू रहने दे भाई तू सबका बढ़वाए हाँ लास्ट में मैं उसको मना करके गया था कि मत जा फिर उसको दिखा ना मैं ही जा रहा हूँ अंदर फिर वो भाई साथ साथ अंदर आ गया 1.5 लाख तक का तो चलो ठीक है मैं मानता हूँ भाई था नंबर था 7 का 17 और मेरे लिए ये भाई ज़्यादा मायने इसलिए रखता था कि AF सीरीज थी ऑटोमोटिव फैमिली बनता था भाई इससे तो इसलिए रह गया भाई ये खैर कोई बात नहीं भाई कुछ और अच्छा लिखा हुआ नंबर तो खैर देख 17 ही लगेगा भाई मेरी गाड़ी पे ठीक है अब देखते हैं कौन सी सीरीज का क्या कैसे करूँगा वो देखता हूँ क्योंकि मेरे को तो भाई अपने हिसाब से ही चाहिए नंबर ऐसे नहीं है और पैसे भी जायज़ होने चाहिए अब उसमें सेंस नहीं बनती आई इस नंबर के लिए मैं 2-2.5 लाख रुपये लगाऊँ खाम खाम में वर्थ नहीं है इतने का मतलब 50,000 बेस प्राइस है उसके बाद यार नंबर 2,15,000 का बिक रहा है और भाई वो बंदा ना 2.5-3 लाख पे पहुंचा देता है इस नंबर को 12 नंबर बहुत सस्ता गया भाई 12 नंबर 1.5 लाख का गया है 11 नंबर महंगा गया 3 लाख के आसपास का गया है 2-80 कुछ का गया है ठीक है 15 नंबर 1-20 का गया है 1.5 का गया 15 नंबर 1.5 का गया है 16 नंबर 1-20 का गया है 14 नंबर भी एक दस का गया 14 नंबर तो वही है भाई उसको तो ना खाम खाम ना रेट बढ़ाना था रेट बढ़ाने के लिए आया था एक बंदा वो कह भी रहे थे कि वो ना हर बेड में बैठा है अच्छा एक बंदा था बाहर बात कर रहे थे हाँ। कि वो हर बेड में बैठा है और उसको मतलब इन्होंने कोशिश भी करी वही तो था वो वो पता कैसे था वो भाई क्या करके आया था वो इस बार जैकेट चेंज करके आया था खैर कोई बात नहीं भाई चलो कोई नहीं ऐसे ही है भाई ठीक है बहुत दिनों के बाद भाई नंबर लेना आया था और अब नंबर आज अपने लिए नंबर नहीं लेके जा रहे पर कोई बात नहीं सुलभ वाला काम हो गया जो एक नंबर था अंकल के नाम थी वो अब हाइपोथिकेशन वगैरह सब कुछ हट टूट के कब का क्लियर करा रखा है लास्ट लास्ट ईयर का अब जाके सुलभ के नाम ट्रांसफर किया अब नई गाड़ी लेगा तो एक नंबर अब उस पर ट्रांसफर हो जाएगा प्लस राजेश भाई ने भी भाई 7 नंबर भी ले लिया 9 नंबर भी ले लिया तो भाई को भी मिल गया तीन भी तो लेना उन्होंने लिया है 3, 7, 10 लिया है हाँ 3, 7, 10 लिया है तो बढ़िया है भाई ठीक है अभी भाई ऊपर से आते हैं फिर अपन कुछ बनाते हैं प्रोग्राम कुछ नंबर की साठ गांठ लगाते हैं अरे इनका मूड भी तो ठीक करना है यार भाई ऐसा नंबर तो अपने को मिला नहीं पर कोई बात पेट को थोड़ा पता है कि नंबर आया है नहीं आया उसने तो अपना काम करना है तो सवेरे हमने जब एक पराठा खाया था चाय पराठा उसके बाद भूख लगी थी थोड़ी सी एनर्जी आई है थोड़ा सा और पॉजिटिव एनर्जी आई है क्योंकि राजेश भाई ने मुझे कुछ पॉजिटिव न्यूज़ ही दी है ठीक है तो मैं वही है भाई ऐसी पॉजिटिविटी लाइफ में बनी रहनी चाहिए और क्या ये तो आनी जानी चीज़ें हैं भाई अब वो नहीं मिला इसका मतलब वो आना नहीं था हमारे पास उस सीरीज़ का कोई दूसरा है हाँ वो हमारे पास नहीं आया हाँ। कोई बात नहीं बाकी राजेश भाई ने लिया भाई 4 नंबर 3 नंबर 7 नंबर 10 और 19 55 नहीं 4 नंबर लिए 4 20 पेटी का काम तो यही कराए बताओ यार 20 पेटी का आग तो ये लगाए 20 पेटी का आग ला दी था यार ना आग मत बोलो भाई ये कोई शौक है भाई ये प्यार है भाई प्यार बाकी हमारे वो दो भाई आ गए ये रे बाकी भाई ये अपने मिगलानी भाई हैं ये मनिंदर भाई है
बहुत प्यारे भाई हैं, शरीफ से हैं, कुछ बोलते नहीं है ज्यादा ये। बाकी पीछे से कितने बदमाश हैं वो तो भाई यही जाने, मैं तो ना जानू, ठीक है ना। बाकी चलो भाई बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, हमें भी बहुत अच्छा लगा। ओके वरिंदर भाई चलो मिलते हैं, थैंक यू। और भाई हमारा आ गया यहाँ से निकलने का टाइम, एंड भाई बज गए हैं 5:40 एंड स्टिल ऑक्शन इज गोइंग ऑन, अभी ऑक्शन ऑफ नहीं हुआ है। कौन सा नंबर चल रहा है राजेश भाई अभी? 77 चल रहा है, तो 99 तक की तो भाई बिड होएगी होएगी, क्योंकि एक भाई को तो ना लेना भी है 95 नंबर, एक को 99 हाँ उसको कह रहा था भाई मेरे को 95 हाँ 99 चाहिए। और भाई साहब कमाल हो गया यार, ऑफिस आवर्स के बाद भी बिड चल रही है। ये चीज तो मेरे साथ जुड़ी हुई है कि मैं दुकान बढ़ा के निकलता हूँ, ऑफिस बढ़ा के निकलता हूँ। कह रहा आज तो भाई हम ही बढ़ा के भी निकल लिए क्योंकि ऑफिस आवर्स तो खत्म हो गया भाई, लेकिन उनके भाई अभी ऑफिस आवर्स चल रहे हैं। देखो भाई साहब चर्जी जो शायद की ये जो सीरीज थी ना AF याद की जाएगी भाई, इतने महंगे नंबर रहे हैं इसमें। 2 hours later तो भाई अपने ना पानीपत वाले ऑफिस पे बैठे हैं और यहाँ ना टोटल दिखा रहे हैं कि आज सरकार ने कितना कमाया है। हाँ सरकार की चेकिंग कर रहे हैं कि आज सरकार ने टोटल कर ले 1 crore तो कूद गया अब तक है, मतलब कितने तक में कूद गया 1 crore कितने तक के नंबर में भाई? तकरीबन 6:30 बजे तक बिड चली है, और जो HR07 का 77 नंबर ना वो भी भाई 6,80,000 का गया। ओ भाई साहब 77 नंबर यार, 77 नंबर 75 का बेस प्राइस है राजेश भाई, 77 नंबर 75,000 बेस प्राइस यार, बताओ यार 75,000 बेस प्राइस है और कौन सा महंगा है कितना? ओ भाई 6,00,000 रुपए ऊपर, कई करोड़ भाई साहब। HR26 की सीरीज को बीट कर गया आज, गए HR07 है कर गया ना आज तो कर गया भाई, नंबर में 10,00,000 का ही फर्क है बाकी तो क्या है। हाँ बस उन नंबर तो महंगे गए हाँ, नंबरों के खेलने तो ना आज पूरा गणित बिगाड़ दिया भाई साहब। लोग कह रहे हैं पैसा नहीं है, पैसा नहीं, कहाँ से आ रहा है इतना पैसा है? नंबर के लिए आ जा रहा है पैसा, गाड़ियों के लिए नंबर के लिए, गाड़ियों के लिए नंबर के लिए पैसा आ रहा है। बताओ ऐसे दान पुण्य करने के लिए पैसा नहीं है लोगों के पास? भाई जी की उधारी है वो दे जाओ यार, है अपनी उधारी चुका लो, ठीक है ना यार, कमाल कर रहे हो। The next day. तो भाई मिल रहे हैं अब आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, एंड कल रात को यार ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि जब हम वापस आ रहे थे तो एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था हमारा, बट वी आर सेफ, कुछ ऐसा हुआ नहीं, खास नुकसान भी नहीं हुआ, हल्का बस बम्पर पे ही लगा स्कॉर्पियो के, तो स्कॉर्पियो तो मैंने मॉर्निंग में ही अपना महिंद्रा में भिजवा दी थी, एक दो दिन में वो भी ठीक होकर आ जाएगी। एंड देन उसके बाद हमारा वही है ना, अब हमारा जब आप ये ब्लॉग आज देख रहे हो ना, आज के दिन हमारे को सारे फ्रेंड्स को मिलके घूमने के लिए एक ट्रिप पे निकलना था, तो अब मेरी गाड़ी है नहीं और आपको पता है कि मैं बैठ के चल नहीं सकता, तो अब जब गाड़ी वापस आएगी तब हम निकलेंगे भाई। एंड देन उसके बाद एक और प्लान है यार, इस मंथ में तो बहुत सारे प्लान है, प्लस अपना बर्थडे भी आ रहा है ना स्कॉर्पियन का बर्थडे, मेरा बर्थडे सेम ही डेट को होता है 17 दिसंबर को, ठीक है, तो बर्थडे भी अच्छे सेलिब्रेट करेंगे। और स्कॉर्पियो को क्या गिफ्ट करेंगे? स्कॉर्पियो को हम न्यू अलॉयज गिफ्ट करेंगे बर्थडे में, है ना, मज़ा आएगा ना। बाकी भाई एक्स्ट्रा का नंबर अभी नहीं आया है, 4 महीने हो गए हमारी एक्स्ट्रा को, 6 महीने तक का टेम्परेरी नंबर तो वैसे होता है। अब सीरीज भाई इतनी महंगी चली जाएगी ये किसी को भी भाई एक्सपेक्टेड नहीं था, और ये पता क्यों हो रहा है? क्योंकि जो सीरीज है ना वो टाइम पे नहीं ओपन हो रही है। पहले क्या होता था, हफ्ते में ना 3 सीरीज ओपन होती थी, अब महीने में 3 सीरीज ओपन हो रही है, तो डिमांड सप्लाई का गेम तो आपको पता ही है, सप्लाई कम होगी तो डिमांड बढ़ जाती है और डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ जाता है। और सरकार ने भाई साहब सिर्फ 1 से लेकर 20 नंबर बेचने में ही 1 crore से ऊपर कमा लिया, फिर भी सरकार के पास पैसा नहीं है भाई जनता के ऊपर लगाने के लिए। वाह भाई वाह, कितना बैठे बैठे रेवेन्यू आ रहा है सरकार को, और सरकार कह रही है पैसा नहीं है, सरकार घाटे में चल रही है। ये डायलॉग एक मूवी का तो बस वही है। बाकी मैंने राजेश भाई को बोला है और अपने एक दो और भाइयों को बोला है कि भाई 01 का 17 और HR07 का 17 कराओ भाई, कहीं से भी अरेंज कराओ, ठीक है, नंबर तो लगवाना है अपने गाड़ी पे, तो वही है। और अगर आपके पास भी HR01 अंबाला सीरीज का है, HR07 कुरुक्षेत्र सीरीज का 17 नंबर है, तो प्लीज मेरे को मेल करना, अगर आप अपना नंबर सेल करना चाहते हो तो मैं आपसे परचेज कर लूंगा। जेन्युइन बायर्स मतलब जेन्युइन सेलर्स, बायर तो जेन्युइन में ही हूँ भाई,
तो प्लीज मुझे बता देना भाई। बाकी अब नई सीरीज तो खुलने में एक साल लगेगा, क्योंकि अच्छा 26 तो है नहीं जो हर महीने खुलेगी, और अच्छा 26 में मेरे को नंबर लेना भी नहीं भाई, मैं कभी भी नहीं लेता, मैंने कभी लिया ही नहीं अच्छा 26 में नंबर यार, मुझे पसंद ही नहीं है ये सीरीज ना, मेरे को सीरीज ही दो पसंद है, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, किसी को अच्छा 26 बहुत ज्यादा पसंद है, तो बस वही है भाई, आप सबकी अपनी पसंद अपनी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी जो दूसरा नंबर किसी से हम परचेज करेंगे तो पहले मैं उसको स्कूटर पे चढ़वाऊंगा, जो मैंने स्कूटर घर पे रख रखा है, एंड देन फिर स्कूटर से मैं अपना एक्स्ट्रा को चढ़ाऊंगा, ये तो प्रोसेस मैं आपको तभी बता दूंगा, वैसे मैंने एक बार पहले भी बता रखा है ये, जब कराऊंगा तब बता ही दूंगा। तो ढूंढो भाई, भाई के लिए नंबर ढूंढो यार, मैं इतनी मदद करता हूँ, मेरी मदद नहीं करोगे क्या है, करो यार ढूंढो नंबर कहीं से ला। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाबा टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट।